क्लेम करते हैं कि आपके प्रेशर की वजह से हुआ है, दूसरी तरफ पीएमएलएन और दूसरी अपोजिशन जमातें कहती हैं चूंकि वो तहरीकी अदम एतमाद अपोजिशन लेके आ रही है उसकी वजह से हुआ है, तो आप सर करेंगे क्या? क्या आपको लगता है कि आपका अवामी मार्च यहां पर पहुंचेगा और वजीर आजम कहेंगे कि थैंक यू सो मच, अब आप आ गए, ये हुकूमत संभालें और चले जाए? तरीकाकार है आपके पास क्या कोई? देखिए, ये क्रेडिट जो है सब जो भी अपोजिशन पार्टीज हैं उन सबको जाता है, लेकिन जाहिर है जो मार्च निकला है चेयरमैन साहब की क्यादत में वो अभी शुरू हुआ है और उसी के असरात है। इसीलिए जो लोग यही कह रहे हैं कि हार गई महंगाई, जीत गया बिलावल, बाय बाय पीटीआई, बाय बाय पीटीआई, तो देखें ये इसी जो भी मूवमेंट है पॉलिटिकली तो जो है अपोजिशन की, ये उसका असर है और आप देखेंगे कि बहुत जल्द इनसे छुटकारा हासिल होगा। और जो बात हो रही है कि पीएमएल क्यू और एमक्यूएम की जो बात हो रही है उसको ज्यादा सब उसी की वजह वो ये है कि अगर इनमें से कोई भी कह देता है कि वो अब साथ नहीं है तो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की जरूरत नहीं है, बल्कि प्राइम मिनिस्टर को वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेना पड़ेगा इनके ऐलान की वजह से। अदरवाइज तो बहुत सारे मेंबर साहिबान जो है जो चाहते हैं कि इस हुकूमत से छुटकारा हासिल हो, जो एलाइज भी है, जो पीटीआई के टिकट पे भी है, तो